तो आपसे खून का नाता है गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे उसमें मेरा एक द्वारिका का पंच प्यारों में था जी मेरा आपसे खून का रिश्ता है ए रवनीत बिट्टू को लुधियाने से दिल्ली की संसद में भेजिए इसको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा मैं करूंगा रवनीत बिट्टू मेरा दोस्त है और जिन्होंने भी इनके दादाजी की हत्या की है उनको हम माफ नहीं कर सकते नहीं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह आज बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है भाजपा के लोगों ने बहुत बड़े बड़े झूठ बोले मोदी ने उनसे भी बड़े झूठ बोले पिछले दिनों मोदी पंजाब के अंदर आए तो उन्होंने कहा कि पांच प्यारों के अंदर उनके एक काका जी थे वो काका जी कौन थे इस वीडियो के अंदर बताएंगे लेकिन कल एक और ऐसे ही नए काका जिनके सामने आए अमित शाह अमित शाह ने सीधा डायरेक्टली बोल दिया कि बेयंत सिंह के लड़के को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा ये वही बेयंत मुख्यमंत्री था पंजाब का जिसने पंजाब की नौजवानी का खान किया पंजाब के सिख नौजवानों को मरवाया पंजाब के हालात बिगाड़ने के अंदर बेअंत सिंह का सबसे बड़ा हाथ था पहले हम उस मोदी का वो झूठ सुनने वाले हैं जब उन्होंने पंजाब के अंदर भाषण देते हुए ये शब्द बोले खून का है। गुरु सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे उसमें मेरा एक द्वारिका का पंच प्यार हो गया था मेरा आपसे खून का रिश्ता है मोदी जी यहाँ पर दस्तार सजा कर आए लेकिन जब यहाँ से वापस जाएंगे ये दस्तार कहाँ पर होगी किसी ने देखा कि इन्होंने जो सर के ऊपर पकड़ी बांधी थी वो इन्होंने कहां पर रखी है नहीं केवल इनको वोट लेने के लिए ये शब्द बोलने पड़े जब भी ये किसी भी देश के अंदर जाते हैं किसी स्टेट के अंदर जाएंगे या किसी भी कम्युनिटी से मिलते तो उन सभी के साथ इनका खून का रिश्ता होता है भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है हमेशा मुसलमानों के पास जाएंगे तो मुसलमानों से वोट मांगेंगे साथियों बहुराज समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध तो नया नहीं है जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में भी इसी प्रकार से ही जब ये चाइना जाते तो चीनी लोगों के साथ इनका खून का रिश्ता हो जाता है चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी जब ये 34 साल के थे अब बताओ दोस्तों 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी बुद्ध लोगों के पास जाते हैं तो बोधियों से इनका खून का रिश्ता होता है तो पंजाब आए तो पंजाब के लोगों के साथ भी इनका खून का रिश्ता हो चुका है पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा ऐसे में ये दिन पर दिन पर झूठ बोलते जा रहे हैं और लोग जब इनसे सवाल पूछते हैं बीजेपी के जब एक मंत्री हंसराज हंस से जब सवाल पूछा गया किसानों ने काफी सारे सवाल पूछे कि तुम बिल क्यों लेकर आए थे किसानों के ऊपर हमला क्यों करवाया गया तो उनका सामने से जवाब क्या था उनका जवाब उन्होंने कोई भी नहीं दिया कि उनको सवालों का जवाब देना चाहिए था और ऐसा ही अब कल जब अमित शाह को पंजाब के अंदर रैली के अंदर संबोधित करते हुए आप लोगों ने सुना होगा तो वहां पर रवनीत बिट्टू जो कि अभी तक कांग्रेस के अंदर थे वो भाजपा के अंदर शामिल हो चुके हैं आप सभी को पता है और भाजपा की तरफ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं ऐसे में अमित शाह ने यह कह दिया कि वह रवनीत बिट्टू को पंजाब का सीएम बनाएंगे अब आप सोचिए कि क्या पंजाब के अंदर बेयंत सिंह के बेटे को सीएम बनाया जा सकता है वही रवनीत बिट्टू है रवनीत बिट्टू ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि एक जून के दिन कांग्रेस ने दरबार साहिब के ऊपर हमला करवाया था और आज तक आप सोचिए कि रवनीत बिट्टू किस पार्टी के अंदर थे बचपन से लेके जिस दिन से उनका जन्म हुआ वो कांग्रेस के अंदर रहे और आज वो इतने सालों बाद भाजपा के अंदर जा चुके और वहां पर जाके वो कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते हैं आप सोचो कि इन लीडरों का कोई स्टैंड नहीं है इनका कोई दीन ईमान धर्म बिल्कुल नहीं है ये किसी भी तरह से कहीं पर भी आपको बेच सकते हैं क्योंकि ये खुद बिके हुए हैं ऐसे लीडरों से सावधान रहिए और पंजाब के अंदर अपनी एक निशान साहिब के नीचे पार्टी को जिताएं निशान साहिब के नीचे जो पार्टी खड़ी होती है उसको वोट डालिए और किसी को नहीं डालिए जो भी निशान साहब जैसा झंडा बनाकर उसके ऊपर अपनी पार्टी का नाम लिखता है कभी भी उसको वोट मत डालना पंजाब की पंथक पार्टी बनाने के लिए आप सभी लोगों को एक निशान साहेब के नीचे इकट्ठा होना होगा और ऐसे दोगले चोरों लुटेरों से सावधान रहना होगा बेयंत सिंह ने पंजाब की नौजवानी का बहुत बड़ा घान करवाया था पंजाब के हालात बहुत बुरे थे जिसमें भाई जसवंत सिंह खाला जी ने पंजाब के अंदर जो सारी ये जो इनकी मिली भुगत चल रही थी उसको लोगों के वो सामने लेकर आए थे, तब इन्होंने ने उनको भी गायब करवा दिया था। दोस्तों ये वो बातें थी जहां पर आप देख सकते हैं कि मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं अमित शाह कितना झूठ बोलते हैं और अवनीत बिट्टू जैसे जिस पार्टी के अंदर वो पैदा हुए जिस पार्टी के अंदर वो बड़े हुए जिस पार्टी के अंदर आज तक वो इलेक्शन लड़ते रहे उसी पार्टी के ऊपर अब वो इल्जाम लगा रहे हैं हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं हम केवल अपने सिख भाइयों से एक अपील करेंगे कि हमेशा ईमानदार व्यक्ति को चुनो ईमानदार वो व्यक्ति होता है जो आप सभी के बीच में बिना किसी सिक्योरिटी के घूम सकता हो जो व्यक्ति बिना किसी सिक्योरिटी के आप सभी के सामने आकर वोट भी मांगे वोट लेने के बाद जीत कर भी बिना सिक्योरिटी के आए वो ईमानदार लीडर होता है और उसको निशान साहिब के नीचे लेकर आना पड़ेगा सभी को सभी लोग आप मिलजुल निशान साहिब के नीचे आइए निशान साहिब की अगुवाई के अंदर आप सभी लोग इलेक्शन लड़िए और आपकी जीत होगी और खालसा राज स्थापित होगा और ऐसे जो दोगले और झूठे लीडर हैं जो देश के प्रधानमंत्री जो है कि आपका तो कोई स्टैंड ही नहीं रहा कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत तो कभी सिखों के खिलाफ कभी सिखों को आतंकवादी और अलगाववादी कह देना कभी इनको दूसरी किस्म के लोग बता देना और अब जब जरूरत पड़ी तो आप गुरुद्वारा पटना साहिब के अंदर तक सचखंड श्री पटना साहिब हरिमंदर साहिब के अंदर भी आप लंगर की सेवा करने चले गए दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में चले गए लेकिन जब गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की पार्किंग का चालान कट रहा था तो उस समय आपकी आंखें क्यों बंद थी आपके कान क्यों बंद थे सिरसा जी भी वहां पर पहुंच चुके तो इनकी भी आंखें कान उस समय बंद थे लेकिन जब ये मीडिया के अंदर प्रेशर बिल्ड हुआ तब जाकर इनकी आंखें खुली है अब इसी प्रकार से ये दरबार साहेब भी जाएंगे पंजाब के अंदर भी आए हैं पगड़ी पहनकर आए हैं सिर के ऊपर जो इन्होंने पगड़ी पहनी है इस पगड़ी को ये इसके बाद इलेक्शन खत्म होने के बाद या रैली खत्म होने के बाद ये कहां पर उतार देते हैं कभी आपने देखा है जिस बंदे का आपके साथ खून का रिश्ता है वो अपनी पत्नी को छोड़ चुका उसने अपनी माँ को छोड़ दिया कि मेरा फ्रांस के साथ गहरा रिश्ता है कितने बड़े बड़े देशों के अंदर दोस्तों ये घूमने गए लेकिन आज के समय के अंदर जिस प्रकार से ये देश को हिंदू पावर बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं एक राम मंदिर के नाम के ऊपर ये लो, लोग वोट बटोर रहे हैं और इन्होंने कहा था कि हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे हम इंसाफ की राजनीति करेंगे हम देश को आगे लेकर जाएंगे लेकिन किस प्रकार से ये देश को आगे लेकर जा रहे हैं आप लोग देख लीजिए हर जगह ये केवल धर्म की बात करते हैं हिंदू मुसलमान हिंदू सिख ऐसी बातें करते हैं इनको असल मुद्दों के ऊपर कभी भी इनका ध्यान नहीं जाता कि देश के अंदर भुखमरी कहां पर चली जा चुकी है देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है देश के अंदर रेलवे की हालत क्या है एयरप्लेन इन्होंने बेच दिए एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए ऑयल की इंडस्ट्रियाँ इन्होंने बेच दी कोल की इंडस्ट्रियाँ इन्होंने बेच दी सारा अंबानी और अडानी को चले गया और बस कोई अच्छा ईमानदार लीडर चुनिए कोई भी हो सकता है वो किसी भी पार्टी का हो सकता है उसका इनके साथ संबंध नहीं होना चाहिए और जो लोग इनके साथ गठबंधन करते हैं उनका भी ध्यान रखिए उनको भी कभी वोट मत डालना क्योंकि बादलों ने भी पंजाब के अंदर हमेशा ही लोगों के ऊपर तशद्द किया है तशद्द ढाया है तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के अंदर वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह